हेलो स्टूडेंट, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एमए क्लासेज। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में एमए क्लासेज टाइप करेंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप में आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है जिसको आप बाय कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और वहाँ पर आपको उस कोर्स का सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल क्लासरूम जैसा। साथ में आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। इस ऐप का एक स्पेशल फीचर ये है कि उस कोर्स का जो भी डाउट होगा आप चैटिंग के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है उस मोबाइल ऐप में, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। तो आप इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइंड किया गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन है एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा समझिए क्या कहता है कि कोई भी एक इक्वेशन लेना है। अब इक्वेशन क्या होता है ये तो आप जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हो, 9th, 10th वगैरह से ही इक्वेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कोई भी दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 2x + 4y = 5, एक एक्सप्रेशन ये है एक एक्सप्रेशन ये है और दोनों को इक्वेट किए हुए हैं इक्वलिटी से, तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन में एक्सप्रेशन होता है और बीच में इक्वल का साइन होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन के बारे में आप पढ़े हैं, इसको आप जानते हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े हैं, मान लीजिए 2x² + 5x + 6 = 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे मान लीजिए sin x + 1/2 = 0, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो बहुत सारे इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो पढ़ना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x और y है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर किसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है sin x, cos x, tan x वगैरह, तो अगर वो इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा, यानी कि dy/dx इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है या फिर सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है या उससे अधिक ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तब हम लोग कहते हैं उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसमें और भी क्या चीज़ कहता है जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो मान लीजिए सपोज कीजिए y = f(x) कोई फंक्शन है। इस y = f(x) में x को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर y को डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली क्या है कि y डिपेंड करता है x पर। जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए y = आपका x² है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड किया है, तो x को अपने डोमेन का कोई भी मेंबर हम लोग रख सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 2 रख दिए, तो जो हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं उसके करिस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर हम लोग x के जगह 3 रखते हैं तो y जो है वो 9 हो जाएगा। तो y डिपेंड कर रहा है x पर, जैसा x रखेंगे वैसा ही y यहाँ पर मिलेगा। तो y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x अपने डोमेन का कोई भी मेंबर को रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल तो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। कभी कभी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक भी मिल सकता है। जैसे सपोज कीजिए जेड जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का, तो वैसे केस में x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा।
अगर ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है डी वाई बाई डी एक्स या डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वगैरह होता है। और अगर ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स, जिसको पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स या डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई या फिर डेल टू जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, अब जरा यहाँ पर देखिए कि एन इक्वेशन कंटेनिंग, अगर कोई इक्वेशन है जो कंटेन कर रहा है, शामिल कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा है एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ इन्वॉल्व हो तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ विशेष चीज़ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें से तीन चीज़, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा डेरिवेटिव, अगर वो इन्वॉल्व कर दें किसी भी इक्वेशन में तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप देखिए ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और डेरिवेटिव भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट ऑर्डर का भी है सेकेंड ऑर्डर का भी है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए e टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसमें डेरिवेटिव है, एक्स भी है वाई भी है। अब ये एक्स और वाई दोनों हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्स वाई नहीं भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं भी हो, लेकिन डेरिवेटिव निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं, अगर लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको ऐसा तो लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो जो नहीं है इसका मतलब आप उसका कोएफिशिएंट जीरो कह सकते हैं कि उसका कोएफिशिएंट जीरो है, लेकिन डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा, डेरिवेटिव कम से कम एक डेरिवेटिव जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको हटा सकते हैं और इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और साथ में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से जो भी इक्वेशन है या और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए इस तरीके का एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं कि फोर्थ में लिख रहे हैं कि एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, ये है सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर किसी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तब उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और अगर किसी इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, फिर बाद में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अब दो चीज़ होता है, एक ऑर्डर और एक डिग्री, तो ये क्या होता है चलिए इसको देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको देखिए कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाइएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है
उसके ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहां पर समझिए कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है dy by dx, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो तीन डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व है। अब तीन डेरिवेटिव में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसी के ऑर्डर को इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे और इसका ऑर्डर है 3 यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। जैसे फर्स्ट ऑर्डर dy by dx ये सेकेंड ऑर्डर का है और ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शामिल है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है उसी के ऑर्डर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे दूसरा सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 4 है, इसका इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंट 4 है। ये डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का ही और ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसका पावर 3 है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया और इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर को नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। डेरिवेटिव का जो ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसी के ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। अब मान लीजिए ये थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल में देखिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये dy by dx का पावर 2 है और ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है और इस ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो ऑर्डर आ रहा है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। मान लीजिए अगर कोई ऐसा सवाल है dy by dx plus 5 equal to 0, तो आप देखिए यहाँ पर एक ही डेरिवेटिव है और उसका ऑर्डर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 1, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका जो ऑर्डर है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से ऑर्डर कुछ विशेष नहीं है, ऑर्डर ये देखना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में और जो उसका ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। क्या कहता है जरा समझिए। अभी सिर्फ इसके पहले जो है उसको देख लीजिए कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होता है वो इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहीं तक देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके पावर को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। जो भी, जैसे मान लीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व है उसके पावर को, तो इसका पावर क्या है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री है क्या, ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसी के पावर को कहेंगे हम लोग डिग्री। मैक्सिमम पावर को मत देखिएगा, ये डिग्री 4 नहीं होगा क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर, पावर होता है किसका पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी के पावर को कहते हैं डिग्री। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, तो इस एग्जांपल में ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है यहाँ पर, एक ये भी है और ये भी है। तो देखिए मैक्सिमम पावर कौन सा है, तो ये पावर 2 है और ये पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 हो गया यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर 2 होगा। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 टर्म है तो उसमें से मैक्सिमम पावर को देखना है, जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री। अब लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि एक और चीज़ लिखा हुआ है कि व्हेन डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। ये तो हम लोग अभी देख रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व है उसके पावर को डिग्री कहते हैं। लेकिन
एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि व्हेन डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव में कोई फ्रैक्शनल पावर है या रेडिकल साइन है तो उससे फ्री कर लेना पड़ेगा। रेडिकल साइन किसको कहते हैं, जैसे ये nth रूट, ये रेडिकल साइन हो गया, चाहे वो स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, तो ये रेडिकल साइन हो गया। या फ्रैक्शनल पावर भी कभी कभी डेरिवेटिव में रहता है, तो डेरिवेटिव में होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव में रेडिकल साइन है या फ्रैक्शनल पावर है तो उससे फ्री कर लेना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर डेरिवेटिव के डेरिवेटिव में रेडिकल साइन लगा हुआ है तो इससे फ्री करना पड़ेगा। इसको पहले फ्री करेंगे तभी डिग्री लिख सकते हैं, ऑर्डर तो अभी भी लिख सकते हैं लेकिन डिग्री लिखने के लिए इसको पहले फ्री कर लेना पड़ेगा। तो इसको फ्री करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो रूट अंडर हट जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हट गया। अब देखिए रेडिकल साइन जो है वो हट गया, फ्रैक्शनल पावर कहीं नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तो रेडिकल साइन हट गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसमें रेडिकल साइन नहीं है, अब हम लोग इसका डिग्री लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डिग्री क्या होगा, देखिए डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसका पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी 1 होगा क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसका ऑर्डर 1 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर अगर रहता है तो कैसे डिग्री हम लोग बता सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर ये रेडिकल साइन है और यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर ये 1/3 है, तो ये चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव, यहाँ पर मान लीजिए 2/3 भी हो सकता है, ये जो है वो 2/3 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर हो गया। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पावर है 1/2 और यहाँ पर पावर है 2/3, तो जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, ये दोनों साइड पावर 6 कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है उसका एलसीएम जो आ रहा है उसका पावर कर दीजिए। तो दोनों साइड हम लोग इधर भी पावर 6 कर देते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इसका भी पावर 6 कर देते हैं, और यहाँ पर सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2/3 और इसका भी पावर 6 कर देते हैं। तो ये पावर 6 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर ये रूट अंडर मीन्स पावर 1/2, तो पावर 1/2 और फिर इसका पावर 6 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 जा 4 आ जाएगा, यानी सी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और इसका जो पावर है 4 वही डिग्री हो जाएगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। तो डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इस तरीके से निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या डिफिनेशन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर इस फॉर्म में अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दे तो उसी को कहेंगे लीनियर। क्या है एक्सप्रेशन देखिएगा, पी नॉट है यहाँ पर और ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, प्लस यहाँ पर P1 है और इसका ऑर्डर कम हो गया, n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये P2 है और उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर हो गया, n-1th ऑर्डर के बाद n-2th ऑर्डर के बाद डेरिवेटिव आ गया। तो धीरे धीरे डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ लास्ट में dy/dx आया फर्स्ट ऑर्डर का और ये लास्ट उससे आगे जाइएगा तो ये सिर्फ डेरिवेटिव नहीं है बल्कि सिर्फ y है और यहाँ पर q है। और ये P0, P1, P2
भी है यहाँ पर और क्यू है, ये सभी क्या होना चाहिए, ये सभी जो है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए और आदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ये जितना भी कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ पर पी वन पी नॉट पी टू वगैरह और क्यू, ये सब या तो कांस्टेंट होना चाहिए या एक्स का फंक्शन, वाई का फंक्शन नहीं, सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो, इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तब नॉन लीनियर कहेंगे। इफ़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर देन इट इज सेट टू बी नॉन लीनियर। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ऐसा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों, देखिएगा इसको आप जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ एनथ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसके बाद डेरिवेटिव का ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, और जो भी कोएफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या एक्स का फंक्शन होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर वाई है, वाई के साथ में एक कोएफिशिएंट होगा, वो भी एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, और राइट साइड में भी एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट होगा। क्या इसी फॉर्म में आ रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसके बाद डेरिवेटिव नहीं है, ये सिर्फ वाई है, और कोएफिशिएंट देखिए एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, या यहाँ पर कोएफिशिएंट देखिए कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी एक्स का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव के साथ या तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए वाई के साथ भी, और यहाँ पर भी जो फंक्शन होना चाहिए वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो टू इंटू थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, मान लीजिए उसके बाद सिर्फ फाइव है, फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर सिक्स इंटू वाई है और इधर है साइन एक्स, ये भी लीनियर हो गया। अब आप देखिए थर्ड ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर का नहीं है, तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो कह सकते हैं कि उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जीरो हो गया, तो वो गायब हो गया। तो उसको मिसिंग टर्म जो भी है, मिसिंग डेरिवेटिव का जो भी टर्म है, वो उसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब जरा देखिए इसके बारे में बात करते हैं, डी फोर डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर फोर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड का मिसिंग है, सेकेंड का मिसिंग है, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई के साथ मल्टीप्लाई है, कोएफिशिएंट है सिक्स एक्स, तो सिक्स एक्स भी एक्स का फंक्शन है, राइट साइड जीरो है, कॉन्स्टेंट हो सकता है राइट साइड। लेकिन जहाँ देखिए ये जो है वो लीनियर नहीं होगा, मान लीजिए y इंटू डी फोर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये लीनियर नहीं होगा। क्यों लीनियर नहीं होगा, लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ये वाई है, वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए कोई, तो किसी भी डेरिवेटिव का के साथ वाई का फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर y के मल्टीप्लाई है, y का फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा, तो ये नॉन लीनियर हो गया। अगर हम लोग एक ये देखते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 और प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये भी नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि किसी भी डेरिवेटिव का डिग्री नहीं होना चाहिए एक से अधिक। डेरिवेटिव आप यहाँ पर देखिए कि किसी भी डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक नहीं है, यहाँ पर भी सिंगल डेरिवेटिव डेरिवेटिव का पावर 1 है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव का पावर 1 है, तो डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर हम लोग तीसरी बात करें तो देखिए ये जो चीज़ है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस सिक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि दो डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। या अगर हम लोग इसकी बात करें कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये भी नॉन लीनियर होना चाहिए होगा क्योंकि वाई का भी पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कब कब नॉन लीनियर होगा, देखिए कि नॉन लीनियर के लिए किसी भी डेरिवेटिव के साथ y का फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर y का फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा।
तो नॉन लीनियर के लिए डेरिवेटिव के साथ अगर कोई वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई है तो नॉन लीनियर। दूसरा, किसी भी डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर एक से अधिक हो जाता है तब वो नॉन लीनियर। कोई भी दो डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई है तब भी वो नॉन लीनियर हो जाएगा, या वाई का पावर अगर एक से अधिक है तब भी नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये जो चार केस बताएं वो चारों केस में क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, और फिर बाद में मैं सॉल्यूशन वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।